धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709611052829294312। सभी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी 8 बजे सुबह से शुरू, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी हार जीत की संभावना। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, कहलगांव, पीरपैती, गोपालपुर और बिहपुर में बड़े वोटों की गिनती 10 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सुबह 9:30 बजे से पहला रुझान आने की संभावना है। दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की जीत हार की काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले बिहपुर और सबसे अंत में भागलपुर व पीरपैती का रिजल्ट आएगा, क्योंकि भागलपुर 20 सीट के 492 बूथों की मतगणना करीब 35 राउंड में होगी, जबकि बिहपुर के 391 बूथों की मतगणना 28वें राउंड में होगी। शाम 6 बजे तक आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा की जाएगी। इधर मतगणना को लेकर काउंसलिंग हॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 2 जगहों पर मतों की गिनती होगी। पीरपैती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों की मतगणना महिला आईटीआई और बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर और नाथनगर 20 सीटों की मतगणना पॉलिटेक्निक में होगी। इस दौरान जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जाएगी, पार्किंग व एंट्री की भी विशेष व्यवस्था होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। एक कमरे में केवल 7 टेबल रहेंगे, यानी 1-20 क्षेत्र के वोटों की गिनती 2 कमरे में होगी। हर विधानसभा सीट के लिए 150 कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसमें चुनाव कार्य में लगे कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए वीवीपैट की स्लिप की गिनती कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलान होगा। मिलान के बाद ही परिणाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस निर्देश का करना होगा साथ में पालन। नंबर 1 में मतगणना के दिन 10 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंग रक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक दी जाएगी। नंबर 2 पे जुलूस के लिए चलने वाले वाहनों की अनुमति सक्षम पदाधिकारी से लेनी होगी। नंबर 3 पे निजी वाहन मतगणना केंद्र की परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे। नंबर 4, केंद्र के अंदर पहचान पत्र लगाए व्यक्तियों के अलावा कोई नहीं जा सकेंगे। नंबर 5, मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोग के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। आप यारों को मालूम है, आप लोगों को दे देगा। अभी हम थोड़ा सा बाकी एरिया इमरजेंसी कंट्रोल हमको अभी करना है। यूनिट की क्या पोजीशन है? यूनिट हमारा 3 यूनिट चल रहा, बाकी 3 यूनिट बंद कर दिया। यूनिट ओवर लिंग है, 1-6 नंबर ओवर लिंग था, 3 यूनिट बंद कर दिया। 7 और 3-4 ठीक है। बाकी जो भी है ऐसा जान मान मार के सामान का कुछ ये नहीं है। ओनली इधर खेती में थोड़ा पानी आया तो वो हम लोग उनको हम कमिट कर रहा। गांव वाला जो भी बोला हम लोग उसका उनको कमिटमेंट दे रहा है, जो भी डैमेज हुआ हम मुआवजा करते। पिछली घटना को लेकर के एक इंक्वायरी कमेटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी क्या? हाँ, उसका रिपोर्ट आई था। उसका भी क्यों हुआ उसका भी ये आया। एक्चुअली इसमें जो भी था वो हमारा बगल पानी का लेवल का इस एरिया में गंगा बेसिन में है ना, गंगा बेसिन में होने का लाया थे। क्या हुआ इसका वाटर बेसिन थोड़ा सा ऊपर है, उसके लिए हम लोग उसके बाद टेक्निकली वो पहले वो फोर्सी नहीं किया, इसमें वो वाला इनकॉर्पोरेट किया। अभी स्पील ओए में जो प्रॉब्लम हुआ इसका जब तक छानबीन नहीं हो रहा मैं कुछ बोल नहीं सकता।